ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, यहीं पर हमारा होटल था। और ये देखिए सारे लोग नंगे पैर जा रहे हैं, मेरे बेटे ने भी पूरी यात्रा नंगे पैर की है, हर जगह का दर्शन नंगे पैर किया है। हम लोग ने भले ही चप्पल जूते पहने थे लेकिन बच्चे ने नहीं पहना। तो ये परिक्रमा मार्ग का बहुत ज़्यादा महत्व है। और आज क्योंकि एकादशी है तो आज ज़्यादा भीड़ है, देखिए कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए निधि बने और सारे पेड़ की डाल, आप देखिए सारे पेड़ की डाल आपस में उलझी हुई है, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। क्योंकि जब डांस करता है ना कोई तो इसी तरह झूम झूम के डांस करता है और सारी शाखाएं एक के एक आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा पेड़ आपको सिर्फ वृंदावन में ही देखने को मिलेगा। और हम लोग इस समय निधि वन में हैं जहाँ ये आश्चर्यचकित चीज़ हम लोग देख रहे हैं। यहीं बिहारी लाल जी की वो भी है, प्रतिमा भी है, जहाँ पर वो तैयार होते हैं, माखन खाते हैं और उसके बाद रासलीला करते हैं। सारे पेड़ आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डांस के मुद्रा में हैं। कितना दिखाऊं, बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा है। बाहर तक उगले हुए हैं पेड़ और ये भी पेड़ इसी तरह टेढ़े मेढ़े किधर भी झुके हुए हैं। ये पेड़ को छूने लायक है, इनका माथा रखना चाहिए। जय लाल कृष्ण कान्हा जी यहाँ आते हैं। ये राधा की सखियाँ हैं, देखिए चार सखी का बार बार जिक्र आता है, ये वही चार सखियाँ हैं जो राधा रानी के। हाँ, चार इधर हैं और चार उधर हैं, आठ सखियाँ। और ये रासलीला का स्थान है तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ आके थोड़ा सा डांस करना चाहिए। ये देखिए चार सखियाँ इधर खड़ी हैं। हरी हाथ जाते, हरी हाथ आते।